देखिए ऑलरेडी बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अनिल देशमुख के खिलाफ जो इंक्वायरी है सीबीआई के तहत होनी चाहिए ऐसे डायरेक्शन दिए हैं, और उन्होंने ये डायरेक्शन जो है वो चैलेंज किए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और मैंने ऑलरेडी मेरा कैविट फाइल किया है और मैं अपोज करूंगी कि इनके पिटीशन को, और ये इंक्वायरी जो है वो सीबीआई के तहत ही होनी चाहिए क्योंकि एक करप्शन है, एक कैंसर है और इसका तपास स्टेट पुलिस प्रॉपरली नहीं कर सकते, इसलिए सीबीआई के तहत ही की जाए ऐसी मैं मांग करूंगी। आप यही भूमिका है कि ये करप्शन बहुत डेंजरस बीमारी है और ये मंत्री है ये बहुत मसल पावर और पावरफुल मराठा लीडर्स है, ये कुछ भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मिस्टर शरद पवार का हाथ इसमें है, अनिल देशमुख के सर पे है, तो ये कुछ भी हो सकता है, इसलिए अप्रोप्रिएट एजेंसी जो है जो कि इंक्वायरी कर सकती है वो सिर्फ सीबीआई है और सीबीआई के तहत ही इसका इंक्वायरी की जाए। देखिए मैंने जैसे अभी कहा है कि ये पावरफुल मराठा लीडर्स है, ये कुछ भी डायरेक्शन दे सकते हैं। ये मराठा क्रांति मोर्चा है, थ्रेट कर रहा है, बोलते हैं कि मराठा लीडर्स के खिलाफ जयश्री पाटिल ने कंप्लेंट दाखिल किया है, मराठा समाज की बदनामी की है, ऐसे एटमॉस्फेयर किया जा रहा है, मुझे थ्रेट कर रहे हैं, मेरे फैमिली को थ्रेट कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड जो कि कौंसिल है गुणरतन सदावर्ते उनको भी थ्रेट कर रहे हैं, इसलिए ये बात बताने के लिए हम गवर्नर साहब